हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि शुरुआत हो चुकी है। क्या बोला था? शुरुआत हो चुकी है। अब लगातार वैकेंसी का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अभी तो ये यूपी के बाद में जब केंद्र की वैकेंसी निकलेंगी, और आपको मैं बता दूं, रेलवे में बम्पर भर्ती होने वाली है। क्या भाई? रेलवे में बम्पर भर्ती होने वाली है। एनटीपीसी में भी आने की चांसेस हैं। ग्रुप डी हो गई, ईएलपी हो गई। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, क्या क्या देख पा रहे हैं? UPSI और ASI की 921 पद। कितने? 921 पद। ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मैंने एक पेज इस पे लगा रखा है, जिसमें किसकी है? UPSI गोपनीय विभाग में है 268। कितनी है? 268 गोपनीय विभाग में। उप निरीक्षक 204 भर्ती। ASI क्लर्क की है कितनी? 449। ठीक है, और बाकी हम आप लोगों के सामने डिटेल में एक बार चलते हैं। देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड UPPRPB यूपी पुलिस SI कॉन्फिडेंशियल ASI क्लर्क अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, UPSI ASI एग्जाम 2024। शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है। कब हो रहा है एप्लीकेशन बिगिन? आपका 7/1/2024 को। कब मेरे भाई? 7/1/2004 से ये आपको फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे 7 जनवरी से। लास्ट डेट ऑफ फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन 28 जनवरी। 28 जनवरी तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जनरल किसकी भाई? जनरल ओबीसी की 400, SC ST सभी की 400, ऑल कैटेगरी फीमेल्स की भी 400 रुपये फीस है। चलो, मतलब मैं इस फीस का तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, करेक्शन लास्ट डेट अगर भाई दब कोई अगर मिस्टेक होती है, उसकी भी लास्ट डेट कितनी है? 30/1/2024। ठीक है भाई, एक मिनट। ई-चालान्स और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, इसके लिए आपको शेड्यूल मिल जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ से मिनिमम एज कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? मिनिमम एज मतलब जो जिसकी एज 21 साल हो चुकी हो, 21 साल से अगर एक भी दिन अगर कम होगा, और वो भी कब? एज बिटवीन 1/7
1995 और 1-7-2002 के बीच का उसकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी 28 साल। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो SC ST OBC वालों को जो छूट मिलेगी वो तो छूट आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये आपका ये डिटेल यूपी पुलिस ASI कॉन्फिडेंशियल में ये आपको कितनी दी है, 268 बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मतलब BA, BSc, BTech, BCom, ये किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी टाइपिंग, हाँ ये चीज आपको टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 35 और स्टेनोग्राफर 80 वर्ड पर मिनट, ओ लेवल एग्जाम पास्ट, ये इसमें क्राइटेरिया भी है। स्टेनोग्राफर हिंदी 80 वर्ड पर मिनट, ओ लेवल एग्जाम पास, ये सब चीज होना भी कंपलसरी है, ठीक है भाई। चलते हैं, ये यूपी पुलिस ASI क्लर्क, इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, 449 बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम सेम, और यहाँ पे हिंदी टाइपिंग सेम, इंग्लिश टाइपिंग, ओ लेवल एग्जाम पास, मतलब ये चीज आपके लिए, मतलब ये कंपलसरी है, ये सब होना अनिवार्य है। यूपी पुलिस ASI अकाउंटिंग, ठीक है, सेम सब कुछ, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom, यहाँ पे डिग्री आपकी चेंज हो गई, बाकी तो और सब सेम ही है। हिंदी टाइपिंग 15 वर्ड पर मिनट, ओ लेवल एग्जाम पास, ये ओ लेवल एग्जाम बहुत ज़्यादा इस समय कंपलसरी हो गया, तो अगर जैसे जो भी चाहे वो करना चाहे आगे के लिए कर सकता है, ठीक है। यूपी पुलिस जनरल के लिए ये 114, 25 EWS के लिए OBC 71, SC के लिए 54 और ये 4 ST और टोटल हैं 268, ठीक है। ये आपकी इसमें यूपी पुलिस ASI जेंडर, मतलब ये ओबीसी जनरल ओबीसी एससी के हाइट होनी चाहिए 163, कितनी होनी चाहिए 163, चेस्ट होनी चाहिए 1782, और ये वही सेम है जो यूपी पुलिस में लिया जाता है। मेल ST के लिए 156 और 75-80 रेस सेम है, ठीक है। फीमेल्स जनरल OBC ASC 150 सेंटीमीटर और दौड़ 2.4 किलोमीटर रनिंग इन 16 मिनट में, और फीमेल ST के लिए 145 सेंटीमीटर रेस, यहाँ पे भी आपकी सेम है, ठीक है। ST वालों के लिए भी सेम है। ठीक है, बाकी आप और ज्यादा अगर डिटेल में अगर जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आपको डिटेल में, एकदम डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी कुछ ही सेकंड में ये हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधान सभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपका दिया हुआ है विज्ञापन सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट पे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय विभाग पद ये है, और ये देखो आपका वेतन पे ग्रेड पे कितना है, 9334,800 व ग्रेड पे 268,
ठीक है, इसकी कितनी है? पुलिस सहायक उप निरीक्षक की कितनी है? 5200 से 20000 200 व ग्रेड पे 2800 लेवल 29900 या 92000 वो कितना 92300। और यहाँ पे इसका कितना है, गोपनीय विभाग का कितना है? ये 112400। ठीक है, ये इतना वेतन बनेगा जाके। ठीक है, ये कुल आपके ये 921 हैं। इन पदों की से अनारक्षित ये सारे का सारा आपको डिटेल दे दिया है। ठीक है, तो ये था आपका UPSI या ASI या क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यूपी पुलिस और SSC GD का अच्छे से तैयारी करिए और वहीं पे आप सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ में आपको अभी बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।